तो नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, क्या हाल चाल हैं आपके, और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज हम आपको ले चलेंगे किसी ट्रेन जर्नी में नहीं बल्कि एक चीप एंड बेस्ट होटल स्टे के बारे में। तो आइए चलते हैं होटल पे और आपको दिखा देते हैं कि कैसा होटल है, क्या चार्ज है, क्या प्राइस है उसका। तो आइए चलते हैं होटल पे। तो इस समय हम लोग आ चुके हैं सहरसा स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर, अपना होटल यूबीएन इन करके है, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और बस स्टेशन से मात्र 800 मीटर की दूरी पे है। और आइए रिसेप्शन पे आपको ले चलते हैं और ले लेते हैं होटल की जानकारी, क्योंकि इनका होटल काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा देखने को मिला है, इसीलिए आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए चलते हैं रिसेप्शन पे, होटल यूबीएन इन। और अभी इसको खुले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 4-5 महीने हो चुका है। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छा है। और रिसेप्शन पे अपने भैया बैठे हैं, क्या नाम हुआ आपका? सागर कुमार जी बैठे हैं। तो ये आपको बताएंगे कि इसमें रूम कितने हैं, चार्ज क्या है, आईडी क्या है। तो बताइए यहाँ पे क्या आईडी चलेगी? आधार कार्ड चलेगी, उसके सिवाय और कुछ? ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह? केवल आधार कार्ड। अच्छा, और रूम के बारे में बता दीजिए, नॉन एसी, एसी कितने रूम है यहाँ पे? 18 रूम मिलेगा, 18 रूम में 4 रूम एसी वाला। अच्छा, और 12 रूम नॉन एसी मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपको 4 एसी रूम मिल जाएंगे और 12 नॉन एसी रूम मिल जाएंगे। तो रहने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी। तो डॉर्मेट्री की क्या सुविधा है आपके यहाँ? डॉर्मेट्री 300 रुपया पड़ेगा एक बेड पे। अच्छा, डॉर्मेट्री की सुविधा आपको मिलेगी 300 रुपये एक बेड में। अच्छा, डॉर्मेट्री तैयार है आपके यहाँ? डॉर्मेट्री अभी एक महीना लगेगा। अच्छा, डॉर्मेट्री चालू होने में आप लोग जब तक आएंगे तैयार हो चुका होगा, क्योंकि एक आध महीने में बोल रहे हैं हो जाएगा। और इसका चार्ज लिखा है नीचे, देख सकते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे इनका नॉन एसी कमरा है। तो आइए कमरा दिखा देते हैं, काफ़ी साफ सुथरा और अच्छा कमरा एकदम, देख सकते हैं ब्रांड न्यू कमरा है। और आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे केवल नॉन एसी कमरा है और सेकंड फ्लोर पे एसी कमरा है। तो आइए नॉन एसी कमरा का आपको दिखा देते हैं। और आपको ये देखिए, अंदर घुसते ही आपको एकदम सामने इतना साफ सुथरा बेडरूम मिल जाएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और देख सकते हैं आपको पंखा, लाइट, चार्जिंग सॉकेट सारे चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे। कर्टन मिल जाएगा, बाकी आपको नीचे नाइट लैंप भी मिल जाएगा, देख सकते हैं। और सामने है वाशरूम, वाशरूम में सामने आपको मिरर दिख जाएगा और बेसिन दिख जाएगा। पानी एकदम मस्त है, 24 घंटे पानी की सुविधा मिल जाएगी, शावर मिल जाएगा। और बस इंग्लिश टॉयलेट है और कुछ ही दिनों में, हाँ, गीजर नहीं है, बस एक आध महीने आपको आएंगे तब तक गीजर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा सा वाशरूम मिल जाएगा आपको। तो आइए चलते हैं लेके आपको एसी रूम में। तो इस समय हम लोग आ चुके हैं सेकंड फ्लोर पे, और सामने आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आपको गैलरी मिल जाएगी। और ऊपर देख सकते हैं एसी तमाम लगे हुए हैं, और यहाँ पर टोटल 8 कमरा है और 8 एसी रूम है, और काफ़ी साफ़ सुथरा और अच्छा रूम है। आइए चलते हैं, पूरा गैलरी आपको दिखा सकते हैं। अगर रूम में बैठे बैठे आप बोर हो जाइएगा तो गैलरी में टहल के घूम के आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। और मेन रोड पे ही वो होटल है, मात्र आपको स्टेशन से 800 मीटर आना होगा, और वहाँ से आपको स्टेशन से ऑटो मिल जाएगा और टोटो मिल जाएगा, 10 रुपया मात्र किराया है। और उसके बगल में ठीक लोकेशन आपको समझा दे रहे हैं, सूर्या हॉस्पिटल है, सूर्या हॉस्पिटल के ठीक बगल में है। और ये देख सकते हैं आपको, इसीलिए आपको अंधेरा कुछ दिख रहा होगा, लेकिन इसके ठीक बगल में ही सूर्या हॉस्पिटल है, यही लोकेशन है। मेन रोड है अपना, कौन सा रोड हुआ? गांधी पथ मेन रोड पर ही है आपको। और आइए रूम दिखा देते हैं। तो चलिए रूम के अंदर का एक नज़र मार लेते हैं। और रूम देखने में काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं रूम में, एसी रूम है, और सामने आपको बहुत बड़ा किंग साइड का बेड मिल जाएगा जिसमें आराम से दो लोग एकदम मस्ती से सो सकते हैं। और सामने इधर चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और फैन मिल जाएगा, और इस साइड है आपका स्लिप्ट एसी, और आपका कर्टन मिल जाएगा, और इस तरफ है आपका डस्टबिन और नाइट लैंप। तो आपको एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और सामने वाशरूम का नज़ारा आप देख लीजिए, सामने मिरर मिल जाएगा और बेसिन मिल जाएगा, बाकी इंग्लिश टॉयलेट और इधर गीजर नहीं है, कुछ ही महीनों में आपको गीजर की सुविधा भी मिल जाएगी।
तो काफ़ी बड़ा और बढ़िया वॉशरूम भी है, तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया और साफ़ सुथरा चीफ एंड बेस्ट होटल है। एसी कमरे और नॉन एसी कमरे और डॉर्मेट्री का सारा का चार्ज आपको बता देते हैं। डॉर्मेट्री का आपको पर पर्सन 300 रुपीज़ चार्ज पड़ेगा और नॉन एसी कमरे का 700 रुपये चार्ज है। और बाकी एसी कमरा लेते हैं तो एसी कमरा दो लोगों के लिए 1200 रुपये चार्ज है। तो ये अपना चार्ज और लोकेशन आप समझ गए होंगे, तो आप एकदम आ सकते हैं इस होटल में। और आपको सहरसा में स्टेशन के करीब अगल बगल में तो काफ़ी रूम है, लेकिन आपको सहरसा जंक्शन पे थोड़ा सा आप आएंगे आगे और आपको एकदम अच्छा और साफ़ सुथरा चीप एंड बेस्ट होटल मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।